तो ये देखो प्यारे बच्चों, एक अच्छा सा सवाल है। यहाँ पे दो फोर्स हैं, एक की वैल्यू 1 न्यूटन है जो कि एक्स इक्वल टू जीरो वाली लाइन पे लग रहा है। एक्स इक्वल टू जीरो वाली लाइन कौन होती है भाई? पूरी वाई एक्सिस जो होती है एक्स इक्वल टू जीरो वाली लाइन होती है। तो यहाँ से मैं ये सारी लाइन जो होती है वो एक्स इक्वल टू जीरो वाली लाइन होती है। तो इधर एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू 1 न्यूटन है, चलो मान लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो है वाई इक्वल टू जीरो, मतलब ये वाली लाइन है, इसके डबल फोर्स लग रहा है, दिस इज द 2 न्यूटन, वो इधर लग रहा है। बात समझ में आ गए? अब जब ये दो फोर्स इधर लग रहे हैं तो इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट लाइन, मतलब जो रिजल्टेंट लाइन है उसका इक्वेशन। तो सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालो, देखो कितना होता है। तो अगर तुम रिजल्टेंट फोर्स देखोगे यहाँ पे, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे? तो अब देखो जो रिजल्टेंट है वो ओरिजिन से ही पास होगा, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स आर। और इस आर की जो वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर अंडर रूट, मतलब ये आ जाएगा √5 न्यूटन आर आ जाएगा। लेकिन ये पूछा ही नहीं जा रहा, ये पूछा जा रहा है ये जो लाइन ओरिजिन से, इसका इक्वेशन पूछा जा रहा है। इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वेशन होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो जो एक्स एंड वाई, अगर इधर वाई है और इधर एक्स है, तो एक्स एंड वाई में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो हम सबको पता है अगर कोई भी लाइन, अगर आप स्ट्रेट लाइन पढ़े होगे जो ओरिजिन से पास होके जाती है और ऐसे उसका स्लोप पॉजिटिव होता है और एक्स होता है ये थीटा है, तो इसका जो इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स होता है, वेयर एम स्लोप है और वाई एक्स। या नहीं तो डायरेक्ट यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल लो, टेन थीटा रख दो, उससे भी ये रिलेट हो जाएगा। तो अगर तुम देखोगे इसका वाई इज इक्वल टू एम एक्स, इसका एक इक्वेशन है इस स्ट्रेट लाइन का जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक ना। तो अब यहाँ यम क्या है? यम जो है यहाँ स्लोप है। स्लोप क्या होता है भाई? स्लोप होता है ये वाला एंगल स्लोप, ठीक ना। तो टेन थीटा की इसकी वैल्यू होती है स्लोप, और ये यहाँ पर आ जाएगी, दिस ये 1 न्यूटन है, तो ये भी तो 1 न्यूटन है और ये 2 न्यूटन है। तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें रखता हूँ वाई इज इक्वल टू 1/2x, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू x, मतलब 2y − x = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट लाइन, जो रिजल्टेंट लाइन है उसका इक्वेशन आएगा। मतलब अपना बी ऑप्शन सही हो जाता है। थैंक यू।